अब हम लोग देखते हैं होमी जहांगीर भाभा के बारे में। एचजे भाभा बहुत बड़ा नाम न्यूक्लियर फिजिक्स के मामले में, भारत में फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया बोला जाता है होमी जहांगीर भाभा को। जो न्यूक्लियर रिसर्च की शुरुआत हुई है वो होमी जहांगीर भाभा की देन है। एचजे भाभा बहुत बड़ा नाम। भाभा स्कैटरिंग भी इनका एक रिसर्च है, ये पूछा जाता है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की स्कैटरिंग बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब किसी से टकराते हैं तो वो भी स्कैटरिंग वेव जैसे फंक्शन करते हैं, इधर उधर भागते हैं। प्रकीर्णन जो हमने पढ़ा था, पार्टिकल टकराता है जब प्रिज्म में, हमने देखा ना प्रिज्म में अगर आप लाइट डालो तो कई रंगों में बट जाएगी, वो उसको स्कैटरिंग बोलते हैं। तो वैसे उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन भी स्कैटरिंग को फॉलो करते हैं, भाभा स्कैटरिंग कहलाती है। ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये दोनों के फाउंडर कौन है? होमी जहांगीर भाभा। बहुत बड़ा नाम। भारत जब आजाद हुआ था तब भारत के पास खाने की समस्या नहीं थी, खाने की समस्या थी, अनाज नहीं उत्पन्न होता था, लेकिन होमी जहांगीर भाभा ने न्यूक्लियर रिसर्च शुरू की और उन्होंने बताया कि भाई क्यों जरूरी है भारत के लिए। बहुत से लोग ऐसे थे जो होमी भाभा का विरोध करते थे उस टाइम पे, वो कहते थे कि न्यूक्लियर, भारत जैसा शांतिप्रिय देश, गांधी बुद्ध का देश, उसको न्यूक्लियर एनर्जी की क्या जरूरत है, परमाणु बम की जरूरत क्या है, और भारत जैसा देश जहां पर अभी खाने की समस्या है, खाने पे फोकस करना चाहिए। तो होमी जहांगीर भाभा पब्लिकली आके ये चीज बोलते थे और नेहरू को कन्विंस किया कि नहीं, भारत एक तरफ चीन से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान से है, लड़ाइयां हो रही हैं, अमेरिका ने न्यूक्लियर बम बना लिया। तो इन्होंने इतने दूरदर्शी इंसान, उन्होंने बोला कि आगे वाला जो समय होगा वो न्यूक्लियर रिसर्च का होगा, इसलिए भारत को अगर सशक्त रहना है तो न्यूक्लियर रिसर्च पर फोकस करना पड़ेगा। नेहरू कन्विंस हुए, एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना दिया गया AEC, और उसके पहले चेयरमैन बने। बहुत पूछा जाता है एटॉमिक एनर्जी कमीशन कब बना और उसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम इनका दिया हुआ है, इन्होंने एक न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किया जिसको आज भी हम लोग फिजिक्स में या वैसे ही जनरल इसमें पढ़ते हैं, जिसको 3-स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम कहते हैं, 3 चरण का न्यूक्लियर प्रोग्राम। 3-स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है क्या? देखो, सबको पता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूरेनियम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यूरेनियम 235 जो हाईली इनरिच्ड होता है। प्राकृतिक जो यूरेनियम होता है वो U238 होता है, 238 होता है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि पहले फेज में हम क्या लेंगे, यूरेनियम हमें लेना पड़ेगा दूसरे से, ठीक है, बाहर से लेना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, ये दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम रिजर्वायर है, सबसे ज्यादा यूरेनियम का भंडार इनके पास है। तो बोला यूरेनियम हमें बाहर से लेना पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे उससे, जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर चलाएंगे तो उससे हमें मिलेगा प्लूटोनियम और यूरेनियम। वेस्ट में भी यूरेनियम आता है ना, रिएक्टर चलाने के बाद में जो वेस्ट मिलता है उसमें भी यूरेनियम मिलता है और प्लूटोनियम मिलेगा। फिर उन्होंने बोला कि जो दूसरे टाइप के रिएक्टर हम इस्तेमाल करेंगे उसमें हम उस प्लूटोनियम का इस्तेमाल करेंगे और यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे जो वेस्ट मिला, ठीक है, और साथ साथ में हम थोड़ा सा थोरियम इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद हमें रिफाइंड थोरियम मिलेगा और उस थोरियम का हम इस्तेमाल तीसरे स्टेज पर करेंगे। तीसरे जो चरण के रिएक्टर होंगे वो थोरियम से चलेंगे, और थोरियम भारत, दुनिया का सबसे बड़ा भंडार थोरियम का भारत के पास, जो केरल और तमिलनाडु के कोस्ट पर रेत मिलती है, सैंड है, मोनोजाइट रेत बोलते हैं, मोनोजाइट सैंड, उसमें सबसे ज्यादा थोरियम है। तो भाभा ने बताया कि कैसे हम इस थोरियम का इस्तेमाल कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने 3-स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किया, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है कि थोरियम का इस्तेमाल करने के लिए कितने स्टेज प्रोग्राम, ये थोरियम के बारे में पूछ लिया जाता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम इनका डेवलप किया गया, ठीक है, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम बोला जाता है। भाभा ने सिर्फ इसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम में नहीं, भाभा ने जो स्पेस प्रोग्राम है उसमें भी बहुत मदद की, स्पेस रिसर्च में, ठीक है। लेकिन ये 1966 में एक प्लेन क्रैश हो गया माउंट ब्लैंक फ्रांस में, माउंट ब्लैंक पर्वत है आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी जो फ्रांस के पर्वत है, और वहां पर इनकी डेथ हो गई। ये अभी बोला जाता है, एक CIA के एक पुराने एम्प्लॉई थे, उन्होंने अपनी किताब लिखी, विकिपीडिया पे उनका नाम मिल जाता है, रॉबर्ट फ्राउली, उस बुक में उन्होंने बताया कि CIA ने उनको मरवाया। अब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है
कि जो अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी है, इनको और लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने तो दोनों का नाम लिखा है कि ये दोनों क्या मिल रहे थे, मिलकर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ज्यादा फोकस। अच्छा, अमेरिका ऐसा देश है जो ये नहीं चाहता है कि, अमेरिका के पास तो न्यूक्लियर उस टाइम पे न्यूक्लियर वेपन्स थे, रूस के पास भी थे, अमेरिका ये नहीं चाहता था दुनिया का कोई और देश न्यूक्लियर वेपन डेवलप करे, तो उन्होंने तो ये लिखा है। हालांकि इनकी मौत पे अभी भी संदेह है, लेकिन प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो गई 1966 में।